नमस्कार, मैं कशिश, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। भगवान विष्णु का ही स्वरूप है शालिग्राम, काले रंग का गोल और चिकना दिखने वाला पत्थर जो कुछ ही शालिग्राम का रूप माना गया है। तुलसी माँ के साथ शालिग्राम का विवाह किया जाता है। शालिग्राम विष्णु जी का ही रूप है। मान्यता है कि उनकी पूजा में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि जिस घर में शालिग्राम मौजूद होते हैं उस घर में विष्णु जी की विशेष कृपा रहती है। साथ ही कहते हैं कि घर में शालिग्राम रखने से घर में खुशहाली का वातावरण बना रहता है। अगर इनकी पूजा में सावधानी बरती ना जाए तो दोष भी लगता है, और कहते हैं कि इन दोष के कारण खुशहाल जिंदगी भी उथल पुथल मच जाती है। अगर आपने भी घर में शालिग्राम स्थापित किए हैं तो इन बातों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। आपको वो बातें बता देते हैं जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि शालिग्राम को केवल अपनी मेहनत से ही खरीद कर घर में रखना चाहिए। शालिग्राम को ना तो किसी शादीशुदा व्यक्ति से खरीदवाना चाहिए, ना ही किसी गृहस्थ को देना चाहिए। अगर कोई संत या पंडित देता है तो इसे लेकर घर में रख सकते हैं। अगर आपने घर में शालिग्राम रखे हुए हैं और इसे पवित्रता के साथ नहीं रख पा रहे हैं तो इसे किसी मंदिर या नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए, वरना घर में खुशहाली चली जाती है। कहते हैं कि शालिग्राम पर अक्षत चढ़ाना निषेध होता है, इसलिए इस पर अक्षत चढ़ाने से परहेज करें। विशेष स्थिति में अक्षत को पीले रंग में रंगकर ही चढ़ाएं। मान्यता है कि शालिग्राम की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए। भगवान शालिग्राम की पूजा का क्रम टूटने से अशुभ प्रभाव भी पड़ता है। इनकी पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। मुक्तिनाथ में भी शालिग्राम मंदिर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मूर्ति पूजा से पहले प्रतीक के तौर पर शिवलिंग शंख शालिग्राम की पूजा की जाती थी। शालिग्राम भी शिवलिंग की तरह दुर्लभ थे। यह नेपाल का मुक्तिनाथ इलाका कालीगंज की नदी का इलाके के पास मिलता है। नेपाल के मुक्तिनाथ में प्रसिद्ध शालिग्राम मंदिर भी है। यह अनोखी जानकारी कैसी लगी है कमेंट कर जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।